हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएस एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिक आपको स्क्रीन पर यहाँ पे नज़र आ ही रही है। सो गाइस, इसी टाइप के हम क्रिएटिव मिस यू कॉन्सेप्ट पर फोटो एडिटिंग करने वाले अपने पिक्सार्ट एंड स्नैपचैट ऐप की मदद से। सो गाइस, काफ़ी औसम हमारे यहाँ फोटो एडिटिंग होने वाली है। अगर आपको फोटो एडिटिंग यहाँ पे पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर आप यहाँ पे कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हाय एवरीवन, आपको यहाँ पर सबसे पहले पिक्सार्ट ऐप में आपको इस बैकग्राउंड के यहाँ पे ऐड करना होगा। देन बैकग्राउंड ऐड करने के बाद में गाइस, आपको यहाँ पर सिंपली ऐड फोटो पर यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक पिक को ऐड करना है। सो गाइस, पिक का बैकग्राउंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिमूव करके रखा हुआ है, ताकि एडिटिंग वीडियो हमारे यहाँ पे ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और आपको अगर फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता, तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उस वीडियो को देख के आप काफ़ी इजी स्टेप्स में बैकग्राउंड रिमूव करना सीख जाओगे। सो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको पिक की साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम इसको सेट कर देते हैं अपनी पिक को, इतना ही से यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद में गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे कुछ ही इसको राइट हैंड नहीं करना बैकग्राउंड पे। सिंपली आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको ऐड पे आ जाना है। ऐड पे आने के बाद में गाइस, आपको सिंपली यहाँ पर कुछ पिक्स को ऐड करना है, कुछ पीएनजीज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो गाइस, उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एक तो लाइट पीएनजीज है, और आपको एक शेडो पीएनजीज है। तो सबसे पहले हम दो पीएनजीज को यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले हम शेडो पीएनजीज की साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और नीचे की तरफ ऑलमोस्ट इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है आपको, इसको मूव डाउन कर देना है। इससे आपको नीचे की तरफ यह शेडोज क्रिएट हो जाएगी। तो इसको मूव डाउन एक बार यहाँ पे करते हैं, तो नीचे की तरफ यहाँ पे शेडोज भी आ चुकी है। इतना आने के बाद में सिंपली आपको लाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है, लाइट वाली पीएनजीज पे। तो इसका ब्लेंडिंग मोड आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रीन कर देना है, और इसकी साइज को बढ़ा के ऑलमोस्ट अपने पिक के पीछे की तरफ यहाँ पे सेट करना है, और इसे भी कर देना है मूव डाउन। मूव डाउन हो जाने के बाद में गाइस, आपको सिंपली इसको कर देना है यहाँ से राइट क्लिक। अगर गाइस आपके ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आता, तो सिंपली आप अपने पिक्सार्ट ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद में अगेन आपको ऐड फोटो पर आना है, और यहाँ पे अगेन आपको दो पीएनजीज को और यहाँ पे ऐड कर देना है। सो गाइस, जो भी पीएनजीज एंड बैकग्राउंड है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दोनों पीएनजीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मिस यू वाली पीएनजी से, तो इसको हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रॉप करने के बाद में इसका भी ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ पे स्क्रीन कर देते हैं, और इसकी साइज को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा के ऊपर की तरफ यहाँ पे एक बार सेट करते हैं। एक बार सबसे पहले इसको हम हार्ड पेजेस को लेंगे, पिक को थोड़ा सा जूम करेंगे, और ऑलमोस्ट हम इसको यहाँ पे इतना इसे यहाँ पे रखेंगे, और इसका हम थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देंगे। और इरेजर पे आना है आपको यहाँ पे सिंपली। इरेजर पे आने के बाद में आपको इरेजर पे आना है, थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ानी है, साइज थोड़ी सी कम करनी है, और आपको ये पार्ट यहाँ से आपको इरेज कर देना है। यानी आपका थोड़ा रियलिस्टिक लुक आना चाहिए कुछ स्टेप से। इतना यहाँ पे करना है, और इसको यहाँ पे ओपेसिटी को फुल आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद में मिस यू वाली पीएनजी से, तो इसको भी थोड़ी साइज बढ़ानी है, और इसको यहाँ पे आपको पुट करना है, और इसको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। सो गाइस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में आपको सिंपली ड्रॉ के अंदर आना है, और पिक को आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव करना है। सो गाइस, इस पिक को अब हम अपने स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा इसमें फेस के ऊपर रिटचिंग करेंगे, जिससे काफ़ी अच्छी आपकी पिक यहाँ पे एडिट होने वाली है। सो पिक को कर लेते हैं हम स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन। हाय गाइज, आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको पिक को स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन करना है। सो स्नैपचैट ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले पेंसिल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा हीलिंग। तो सिंपली हम हीलिंग ऑप्शन इसलिए यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे जो भी फेस के ऊपर स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, उनको हम यहाँ से इसकी मदद से रिमूव कर सके। सो गाइस, काफ़ी ऑसम टूल है, जिसकी मदद से आप जो भी आपके पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं फेस के ऊपर, उन्हें आप काफ़ी इजी स्टेप्स में यानी रिमूव कर पाओगे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा ऐप है आपको ये, और काफ़ी अच्छी ऐप है, आप एडिटिंग भी कर सकते हो। सो इसलिए आपको वीडियो को कम्प्लीट यहाँ पर देखना होगा। जो भी आपके स्पॉट्स आ रहे हैं फेस पे, उनको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, और यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद में गाइस, पेंसिल ऑप्शन पे आएंगे, सेलेक्ट टूल्स की मदद से सबसे पहले हम अपने फेस वाले पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फेस वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है, देन इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस यहाँ पे हम इंक्रीज कर देते हैं, और इसकी थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे कम करेंगे, थोड़ा सेंचुरेशन भी कम करेंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसके बाद में यहाँ से इसको राइट क्लिक करते हैं। अब क्या करना होगा गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको पेंसिल ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आपको लेंस ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट करना है। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको कर देते हैं राइट क्लिक साइड में रख के,
अब आपको यहाँ पे एडिट स्टैक्स पे क्लिक करना है और आपको व्यू एडिट्स पे आना है। लेंस ब्लर पे आपको क्लिक करना है और आपको इसकी लेंस ब्लर साइज आपको 50 रखनी है। अब आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने फेस के ऊपर इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है, जिससे कि आपका फेस यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। सो गाइस काफ़ी इजी और अच्छी ट्रिक है फेस स्मूथ करने की। सो काफ़ी औसम तरीके से आप अपनी फेस एडिटिंग या रिटचिंग यहाँ पे कर पाओगे इस ऐप की मदद से। सो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो, देखो आपका फेस भी काफ़ी स्मूथ यहाँ पे हो चुका है। सो आपको ये चीज़ें यहाँ पे कर लेनी है, जो काफ़ी अच्छी भी आपको यहाँ पे लगेगी और एडिटिंग भी काफ़ी औसम आपके यहाँ पे हो जाएगी। इतना करने के बाद में गाइस इसको करते हैं हम यहाँ से राइट क्लिक। राइट क्लिक होने के बाद में फेस का आप चेंज देख सकते हो कितना यहाँ पे चेंज आ चुका है। तो बैक आएंगे हम यहाँ पे, पेंसिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट टूल्स अगेन यूज़ करेंगे। सो गाइस यहाँ पे सेलेक्ट टूल्स की मदद से आप सबसे पहले हम फेस वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद में थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ाएंगे, थोड़ी सी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा कम करेंगे, बॉडी के और भी जो पार्ट्स है गाइस सिंपली उनको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन उनकी भी हम ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे। इस टाइप से आपको ये चीज़ें करनी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, सेंचुरी भी थोड़ी सी बढ़ानी है, स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद में इसको कर देना है यहाँ से राइट क्लिक। सो फेस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद में पेंसिल ऑप्शन पे आना है, ब्रश को सेलेक्ट करना है, डोज एंड वन पे आपको यहाँ पे रखना है, 10 रखनी है साइज, थोड़ी सी साइज बढ़ानी है, ऑलमोस्ट शोल्डर के आसपास हम थोड़ी सी लाइटिंग क्रिएट करेंगे, इससे ऐसा लगे कि पीछे से हमारे यहाँ पे लाइट आ रही है और कुछ इस टाइप से यहाँ पे हाथ के ऊपर भी यहाँ पे लाइटिंग हम मार देंगे, थोड़ा सा हेयर्स के ऊपर भी यहाँ पे लाइटिंग क्रिएट करेंगे। इतना होने के बाद में अंदर की तरफ भी यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग क्रिएट कर देते हैं। ये चीज़ करने के बाद में गाइस आपको सिंपली थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्का सा इस चीज़ को यहाँ पे इरेज कर देते हैं। होने के बाद में इसको करते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा और यहाँ पे, कर देंगे, ज़्यादा आपको लाइटिंग यहाँ पे क्रिएट नहीं करनी। इतना करने के बाद में आपको पेंसिल ऑप्शन पे अगेन आना है, डिटेल्स पे आना है, थोड़ी सी आपको शार्पिंग पिक की ऐड कर देनी है पिक में, ऑलमोस्ट 16। इतनी होने के बाद में अगेन आपको पेंसिल ऑप्शन पे आना है, एसडीआर पे आपको यहाँ पे आना है, एसडीआर पे आने के बाद में फिल्टर स्ट्रेंथ आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखनी, 20 पे आपको फिल्टर स्ट्रेंथ रखनी है। यहाँ से क्लिक करना है, एडिट स्टैक्स पे क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे आना है, एसडीआर स्किप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है। अब आपकी पिक नॉर्मल है यहाँ पे सिंपली एंड इफेक्ट के बाद ऐसी है, तो आपको इसको यहाँ पे ऑफ रखना है और आपको सिंपली इसकी आपको 100 रखनी है और आपको अपने क्लोथ्स के ऊपर ये इफेक्ट यहाँ पे मिडिल के अंदर डालना है, थोड़ा सा आपको ऐसा भी लगेगा ताकि लाइटिंग आपके क्लोथ्स पे थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी आ रही है। तो इतना आपको ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है और इसको कर देना है आपको यहाँ से राइट क्लिक। राइट क्लिक होने के बाद में बैक आना है, बैक आने के बाद में सिंपली पेंसिल ऑप्शन पे आएंगे, वाइट बैलेंस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ब्लू टोन हम अपनी पिक के अंदर देंगे हल्का सा और थोड़ा सा इसे टिल्ट भी शिफ्ट कर देंगे। सो इतना हम इसे टिल्ट शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा सा ब्लू टोन कम करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट ज़्यादा करेंगे, इस टाइप से आपको इसको रखना है। पिक को आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। सो गाइस देख सकते हो पिक आपकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे एडिट हो चुकी है, तो आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके पिक को कर लेना है सेव। सो गाइस अगर आपको ये फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल यहाँ पे अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर यहाँ पे कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए गुड।